छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुठभेड़ में हुए घायल जवानों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे, जहां विजय शर्मा ने कहा कि निसंदेह ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता है, इसकी पूरी श्रेय जवानों को जाती है। इस संयुक्त कार्यवाही में सीआरपीएफ, डीआरजी, बस्तर फाइटर और पुलिस के भी जवान थे, सभी को बधाई देता हूँ। डीआरजी के एक जवान है, एक सीआरपीएफ के जवान है, जिनके पैर में भी गोली लगी है। दोनों जवानों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया है, सभी ठीक है, खतरे से बाहर है। यह घटना चुनाव से संबंधित नहीं है, हालांकि नक्सली हर बार चुनाव से पहले कोई घटना किया करते थे। यह बहुत पास से गोली लगी है, डीआरजी के एक जवान है, उनके एक जांग से गोली एक तरफ से लगी, जांग के दूसरी तरफ से निकली, फिर दूसरे जांग में भी वो गोली घुस गई और उसके दूसरे तरफ से निकल गई। मतलब एक गोली ने उनके दोनों जांग में आर पार छेद कर दिया है। ऐसे ही एक सीआरपीएफ के जवान हैं, उनके भी पैर में गोली लगी है। तो ये दोनों ही जवानों को उपचार के लिए यहाँ लाया गया है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कुछ भी नहीं है, खतरे से बाहर है। इनका ऑपरेशन कल होगा, डॉक्टर साहब थे मेरे साथ में, उन्होंने बताया ऑपरेशन कल होगा और ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे।